Hello everyone, once again you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC, and this is Vinod Kumar Garg. So friends, in this video you are going to learn about the 10 most important factors of antigenicity. So friends, जो antigen होता है वो जो antibody के साथ react करता है, तो कोई भी antigen antigen क्यों होता है, तो उसको 10 factor कौन से influence करते हैं उसकी antigenicity को, उसके बारे में आप इस video में understand करने वाले हो. So इससे पहले अगर आप मेरे channel पे नए हो तो मेरे channel को subscribe करें और वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है फ्रेंड्स. तो बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ एंटीजेनिसिटी. तो फर्स्ट फैक्टर है फॉरेननेस. तो फ्रेंड्स, इसका मीनिंग ये है कि जो एंटीजन है दैट मस्ट बी फॉरेननेस टू द इम्यून सिस्टम, मतलब वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए नॉन सेल्फ होना चाहिए. हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसे रिकॉग्नाइज एज ए नॉन सेल्फ ही करे, ठीक है. तो नॉन सेल्फ की भी फर्दर डेफिनेशन क्या है, वो ऐसे है कि अकॉर्डिंग टू बर्नेट्स क्लोन सिलेक्शन थ्योरी, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है फ्रेंड्स, फॉरेननेस मीन्स सबस्टांस दैट नेवर कंटेक्ट विद लिम्फोसाइट. लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में दो तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है. जो बी लिम्फोसाइट्स है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, तो जो भी एंटीजन लिम्फोसाइट के कॉन्टेक्ट में ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड नहीं आया, और उसे हम बोलते हैं नॉन सेल्फ, ठीक है. क्या बोलते हैं उसे, नॉन सेल्फ, ओके. तो उसको हम बोलेंगे फॉरेन पार्टिकल, तो इट विल बिहेव एज एंटीजन, ओके फ्रेंड्स. तो ये था हमारा पहला फैक्टर कि ये जो भी एंटीजन होएगा वो हमारी बॉडी के लिए नॉन सेल्फ ही होना चाहिए. और फ्रेंड्स, सेकेंड हमारा फैक्टर आता है दैट इज साइज. तो इसमें क्या है, लार्जर मॉलिक्यूल्स आर हाईली एंटीजेनिक. जितना साइज बड़ा होएगा उतनी एंटीजेनिसिटी ज्यादा होएगी, ठीक है. एंड उसके बाद जो लो मॉलिक्यूलर वेट, LMW मींस लो मॉलिक्यूलर वेट वाले जो एंटीजन होएंगे वो या तो नॉन एंटीजेनिक होएंगे या फिर वो उनका जो एंटीजेनिक जो एक्शन है वो वीक होएगा, कमजोर होएगा, ओके. एंड थर्ड फैक्टर इज केमिकल. तो फ्रेंड्स, जितने भी हमारे ये एंटीजन होते हैं तो मोस्टली जो उनका केमिकल नेचर है दैट इज द प्रोटीन्स एंड पॉलीसेक्राइड्स, ओके. और जो लिपिड्स होते हैं एंड न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो भी एंटीजन हो सकते हैं, बट उनकी एंटीजेनिसिटी थोड़ी कम होती है, ठीक है. मतलब जो मेजर एंटीजन है दे आर ऑलवेज प्रोटीन्स एंड पॉलीसेक्राइड्स. एंड नेक्स्ट फ्रेंड्स, फोर्थ फैक्टर इज susceptibility to tissue enzymes. इसका मीनिंग क्या हुआ, substances which can be metabolized and able to action of tissue enzymes. मतलब जिस सबस्टांस का हमारी बॉडी के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो सकता है, तो उसके एंटीजेनिसिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है. एज कंपेयर टू दो सबस्टांसेस विच कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड बाय द बॉडी, ठीक है. एंड दूसरा होता है कि जिस टिश्यू के ऊपर एंटीजन एक्ट कर रहा है उस टिश्यू के एंजाइम जो है वो एंटीजन के ऊपर एक्शन कर सकते हो, करने के योग हो, तो भी एंटीजन की एंटीजेनिसिटी के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है. एंड नेक्स्ट आता है एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी. इसका मतलब क्या है कि जितने भी एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं वो एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक होते हैं, मतलब स्पेसिफिक एंटीजन ही स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करते हैं, कोई दूसरा जो है वो रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है. और जो पोजीशन ऑफ एपिटोप होती है, एपिटोप का मीनिंग होता है ये एंटीजन का वो पार्ट होता है एपिटोप जिसके ऊपर एंटीबॉडी जो है बाइंड करती है, ठीक है. तो पोजीशन ऑफ एपिटोप इन एंटीजन मॉलिक्यूल, मतलब एंटीजन मॉलिक्यूल के अंदर जो एपिटोप है उसकी पोजीशन क्या है वो इफेक्ट डालती है ऑन स्पेसिफिसिटी, ठीक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेसिफिसिटी, ठीक है फ्रेंड्स. एंड नेक्स्ट सिक्स्थ फैक्टर इज स्पीसीज स्पेसिफिसिटी. इसका मीनिंग क्या है, टिश्यू ऑफ द ऑल इंडिविजुअल इन स्पीसीज पोजेस स्पीसीज स्पेसिफिक एंटीजन. मतलब एक स्पीसीज के अंदर जितने भी टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर जो है स्पीसीज स्पेसिफिक एंटीजन ही प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं स्पीसीज स्पेसिफिसिटी, ओके. नेक्स्ट इज आइसो स्पेसिफिसिटी.
इसका मीनिंग है इट डिपेंड्स अपॉन आइसो एंटीजन्स विच मे बी फाउंड इन सम स्पीसीज। मतलब क्या होता है कि डिफरेंट स्पीसीज के अंदर सेम तरह का जो एंटीजन है तो उसको बोलेंगे आइसो स्पेसिफिसिटी। ओके फ्रेंड्स, दैट इज द आइसो एंटीजन, मतलब वो मिलते जुलते एंटीजन है। एंड नेक्स्ट आता है ऑटो स्पेसिफिसिटी, इसका मीन्स क्या है, सेल्फ एंटीजन्स आर जनरली नॉन एंटीजेनिक। मतलब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे भी एंटीजन्स होते हैं जो कि हमारा सेल्फ का ही पार्ट है, बॉडी का ही पार्ट है, ठीक है, तो वो उनकी एंटीजेनिसिटी नहीं होती। मतलब वो नॉर्मल कंडीशन में तो एंटीजन की तरह बिहेव नहीं करते, बट एबनॉर्मल कंडीशन में वो एंटीजन का बिहेव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्गेनो स्पेसिफिसिटी, इसका मतलब क्या है, इसमें ऑर्गन के प्रति स्पेसिफिसिटी है, मीन्स जैसे किडनी है, ब्रेन्स है और आइस का जो लेंस है उसके अंदर जो एंटीजन होते हैं वो डिफरेंट स्पीसीज में सेम एंटीजन होते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनो स्पेसिफिसिटी। मतलब ऑर्गन सेम है लेकिन स्पीसीज डिफरेंट है, तो उसमें सेम तरह के जो अगर एंटीजन पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनो स्पेसिफिसिटी। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है हेट्रोजेनिक स्पेसिफिसिटी, तो हेट्रो का मतलब डिफरेंट, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि या तो सेम एंटीजन है या फिर क्लोजली रिलेटेड एंटीजन है, या तो बिल्कुल सेम है या फिर एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड एंटीजन है जो के डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीसीज में पाए जाते हैं और वो सेम तरह का एक्शन शो करते हैं, तो उसको बोलेंगे हेट्रोजेनिक स्पेसिफिसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे 10 ऐसे फैक्टर जो कि एंटीजन की एंटीजेनिसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको उसके लिए एक तरह का इन्फ्लुएंसर का जो काम करते हैं उसको इन्फ्लुएंस करते हैं कि कोई एंटीजन अपनी एंटीजेनिसिटी कैसे शो करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस 10 फैक्टर को हमेशा के लिए याद रखें, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, नीट की प्रेपरेशन कर रहे हो या फिर आप नर्सिंग के स्टूडेंट हो, ओके, तो अगर किसी भी तरह के मेडिकल फील्ड के साथ रिलेटेड हो तो आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।